ચીનમાં સ્થાયી થયેલા ભારતીય લોકોમાં પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરવાનો અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. અમારા સંવાદદાતા અરુણ શર્માએ તેમની સાથે કરેલી વાતચીત પ્રસ્તુત છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દુનિયા કે કિસી ભી કોને મેં જાય લેકિન હા ઉનકે ચાહને વાલે હમેશા ઉનકે પાસ પહોંચ જાતે હૈ. ઇસ વક્ત હમ ચીન કે શિયામિન શહેર મેં મૌજૂદ હૈ ઓર યહાં ભી ભારતીય લોગ બડે ઉત્સાહ કે સાથ મેં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે સ્વાગત કે લિયે આ પહોંચે. એક તરહ સે આપકો બતા દે કે આપ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અબ ચીન કે દૌરે પર હૈ. વિવો પે ભી એક તરહ સે ઉનકા અકાઉન્ટ હૈ, કાફી ફેમસ હૈ પ્રધાનમંત્રી. જો ઇન્ડિયા મેં ઇનિશિયેટિવ લિયે જા રહે હૈ, ચાઇના મેં જો ઇન્ડિયન્સ કિસ તરહ સે દેખ રહે હૈ ઉસકો? चाइना में बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया के जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिए हैं देखे जा रहे हैं. जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, मेक इन इंडिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. हम कंपेयर करें चाइना की तरफ से भी तो दीज इनिशिएटिव वेर ऑलरेडी टेकन इन चाइना फॉर सम टाइम बैक एंड दे आर बीइंग टेकन नाउ इन इंडिया. सो दैट विल ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी बैक इनटू ट्रैक. ऑलराइट, आई एम न्यू इंडिया की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं कि मैं एक नया इंडिया हूं जिसमें करप्शन बिल्कुल ना हो, ब्लैक मनी बिल्कुल कंट्रोल्ड हो. इस तरह के इनिशिएटिव को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि काफी जिसमें वो बोल रहे हैं कि काफी करप्शन ना हो और ब्लैक मनी ना हो, उसमें काफी बेटरमेंट आ रहा है और काफी चेंजेस आ रही हैं. लेकिन आई थिंक अभी भी जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है. लेकिन ठीक है, वही उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द हो. लेकिन जी, एक बड़ा देश में ये आने के लिए तो टाइम लगेगा कुछ ना कुछ. वो ऑलरेडी वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू कर दिया है. डेफिनेट इट विल बी देयर एंड हम लोग चाहते हैं कि आगे का जो कार्यकाल रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस समय में भी मोदी जी आना ही चाहिए सो दैट अभी से वो जो चालू करे उसको वो फ्रूटफुल जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट 5 साल में जो आएगा वो देखने को मिलेगा और पूरा इंडिया में पूरा कहीं पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं.